सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आज के AQI की तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 336। लगातार दिल्ली का AQI बहुत ख़राब श्रेणी में चल रहा है, इसीलिए मैं अगर आपको अक्षरधाम पे इस वक्त हूँ और यहाँ से अगर आप तस्वीरों में देखेंगे क्या स्थिति है दिल्ली की, आज दिल्ली में प्रदूषण के क्या हालात हैं, तो आप देखेंगे किस तरह की धुंध छाई हुई है अक्षरधाम पर, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए तस्वीर जो है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी अक्षरधाम की, क्योंकि दूर दूर तक धुंध ही धुंध दिख रही है, इसलिए तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं है। इस धुंध की चादर ने पूरे दिल्ली NCR को अपनी चपेट में ले रखा है, एक धुंध की पतली चादर हर तरफ आपको दिल्ली में नज़र आएगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अगर मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अगर आंकड़ों की बात करती हूँ तो दिल्ली के आनंद विहार का जो इलाका है उसका AQI सबसे ज़्यादा है, 392 AQI है आनंद विहार का। उसके अगर उसके अलावा मैं बात करती हूँ तो अलीपुर का 343 है, अशोक विहार का 350 है और उसके अलावा बवाना का 383 है और बुराड़ी 357, द्वारका सेक्टर 8 343 और जहांगीरपुरी जो है वो 390 है। ये वो मैं इलाके आपको बता रही हूँ जहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसके अलावा नजफगढ़ जो है वो 348, मुंडका 368, आरकेपुरम 359, पटपड़गंज 345, सोनिया विहार जो है वो है 364 और विवेक विहार 363। तो ये हालात हैं दिल्ली के। दिल्ली में दिन पर दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है इन हालात को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से 300 के पार चल रहा है दिल्ली का AQI उसको देखते हुए GRAP II भी लागू कर दिया गया है। Stage 2 के तहत पार्किंग की फीस NDMC ने बढ़ा दी है, दोगुनी कर दी है, लेकिन अभी भी अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।